जाने जाना रब दा फैसला। तुम ये कह रहे हो कि मैं कुतुब के घर जाऊं और सरमत के रिश्ते के लिए इनकार कर दूं, हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि वो फैमिली सरमत भाई के लायक है ही नहीं। हाँ, देखा बेटा, सुन ली अपने सपोले भाई की बातें, जिसके लिए तुम अपने सगे बाप से लड़ पड़ते हो। देखा कितना सगा है, पता चल गया ना? भाई, न्यू स्नेक ऑफ कफ, मिलो ना यास्तीन के साथ से। हाँ बाबा, आप जैसा बाप मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। इतना आप देखोगे भी नहीं बेटा, सुल्तान मंजूर जो है ना, एक ही अपने नाम का। हाँ भाई, 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 देख लिया, देख लिया, मेरी कदर की होती तो। हाँ ना बेटा, आ यहाँ बैठो। अरे हद हो गई, सही तरह ढंग से चीजें नहीं डाल सकते। हाँ बताओ, क्या एतबार नहीं है तुम्हें अपने बाप पर? ऐसी कोई बात नहीं अब्बा। देखो एक बार तजुर्बा कर बैठे हैं ना गैरों में रिश्ता करके। जी क्या हर्ज है इस बार अपनों में आजमा लिया जाए? देखो मैं मानता हूं सरमत की क्वालिफिकेशन कम है, लेकिन इत्तेहाज का भी ऑप्शन है। मगर अगर तुम्हें दोनों ही एक्सेप्टेबल नहीं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब आप जो भी फैसला करेंगे मैं आपके साथ। महा सरमद, इस लिहाज से मुझे अच्छा लगता है कि सुलझा हुआ फरमाबरदार बच्चा है, और सबसे बड़ी बात, सारी जिंदगी तुम मेरी निगाहों के सामने रहोगी, क्योंकि तुम मेरी सबसे फरमाबरदार बेटी हो माँ। जी अब्बा। तू क्या कर रहा है? अच्छा माँ बेटा, ये बताओ कि ये नेहा को उबाल क्यों उठ रहे हैं सरमत के नाम पर? आपको पता तो है इसका पर्सनालिटी क्लैश है आदम के साथ। लेकिन रिश्ता तो सरमत का आया है, मगर अगर वो आदम के लिए भी बात करते नेहा की, फिर भी मैं इनकार नहीं करता। अरे ये आ गया। ये खुली कचहरी किस खुशी में सजा के रखी हुई आपने? भाई तैयारी कर लो, हम शाम को घर जा रहे हैं सुल्तान के हाँ करने। इतनी जल्दी? हाँ बेटा, वरना नेहा उस्ताद पट्टियां पढ़ाकर तुम्हारे दिमाग खराब कर देगी। मैं लेकिन इस टूटी हुई कमर के साथ कैसे जाऊंगी? जैसे आप डॉक्टर के पास गई थी। अब मेरी तरफ ना देखो, जाओ मेरे कपड़े इस्त्री करो। जी ए, ए, एक मिनट, एक मिनट। वहां बेटा अभी भी सोच लो, कोई जोर जबरदस्ती वाला सीन नहीं है। आपका जो भी फैसला है मुझे मंजूर है। सबसे प्यारी बेटी है मेरी, जब जब तीसे उठ रही है। भाई दरवाजा खोलें। और यार मेरा ये मतलब नहीं था। क्यों गुब्बारे की तरह मुंह फुला रखा? नेहा बाजी ने डांटा है मुझे। तो उसे क्या तकलीफ हुई? और तुम वहां कर क्या रही थी? ये शरारा दिखाने गई थी सरमत भाई की मेहंदी के लिए। इससे तो उसको आग लगेगी। अरे सरमत कहाँ है? नाराज है अपने कमरे में। ये कौन सा वक्त है नाराज होने का भाई? आप बताएं, नाराज होने का दुरुस्त वक्त कौन सा होता है? अपने सुल्तान साहब से पूछें। चलती फिरती माचिस की फैक्ट्री से शादी की आपने। हाय बंद करो फजूल बातें, मैं कोई जरूरी बात करने आई थी। जरूरी काम ये है कि शाम को आ रही है सर की फैमिली हाँ करने। हाँ वही तो, वो सरमत कहाँ है उसे कमरे से निकालो, मैं अकेली किचन में काम नहीं कर सकती, मेरे कमर में बहुत दर्द। तो मैं हेल्प कर लूंगा। तुम्हें क्या हुआ है? नेहा बाजी ने डांटा है मुझे। बिल्कुल ठीक किया। अरे सरमत कोई कदर ही नहीं है।
अरे किस किस्म की कोरियर सर्विस है भाई तुम लोगों की यार, सुबह से 3 दफा कॉल करके एड्रेस कंफर्म कर चुके हैं और अभी तक नहीं पहुंचा है तुम्हारा नुमाइंदा। ओ दुनिया के अकलमंद तरीन इंसान, जिस कंपनी का वो जूता है ना, अगर शाम तक उस जूते की वीडियो बनाकर मैंने अपलोड नहीं की तो वही जूता उतार के तुम्हारी खोता सर्विस से मारेंगे वो लोग। अरे बस कर दे दद्दू, पहले ही सर फटा जा रहा है। शुक्र करो नेहा उस्ताद की वजह से फोन बंद कर रहा हूँ मैं, वरना उस वक्त तक तुम्हारा दिमाग चाटता जब तक तुम्हारा नुमाइंदा मेरे गेट पे नहीं पहुंच जाता। आपके जूतों की भी यार पैकेज मंगवा रहे हैं आप? हाँ तो 22,000 रुपए का है वो जूता, चोंच वाला, वही पहन के जाऊंगा मैं माह के ससुराल। माशाल्लाह, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ओ भाई अब्दुल्ला दीवाना ही सही हूँ मैं, हाँ वो वाली फूफी मस्तानी तो नहीं हूँ जो हर बात बिला वजह शादी में नाराज होकर बैठ जाती है। दद्दू सुना है शाम को हाँ करने जा रहे हैं सुल्तान के घर को, तुम आप नहीं जाएंगे क्या? अरे जूते का वेट कर रहा हूँ, चोंच वाले जूते का, वो पहनकर ही तो चोंचे लड़ाने में मजा आएगा तुम्हारे ससुराल वालों से। हाँ पहुंच गए अपनी खोता सर्विस लेके आया मैं। नेहा मर गई नेहा, चलो शुक्र है। आदम की नियत पे शक मत करो, बहुत प्यार करता है वो तुमसे। जी बिल्कुल, तभी बाबा को वर्कर आ रहा है वो माँ की फैमिली के खिलाफ। उसे माँ से कोई मसला नहीं है। उसे जिससे भी मसला हो लेकिन उसे मेरी फीलिंग्स का ख्याल होना चाहिए। ये सब तुम्हारे बाप का किया धरा है, उन्होंने लगाई है ये तीली। मम्मी प्लीज रहने दें, मैं अपने कानों से सुन चुका हूँ सब कुछ, हर बात पे बाबा का कसूर नहीं होता। हाय बेड़ा गरक, मैंने तो सफेद चने भिगोने थे, भूल गई मैं फिर। ओ बिरला आप छोड़े रहने दें, वो है ना नीचे संभाल लेगा वो। वो बेचारा क्या क्या करेगा, सुबह से बेचारा किचन में लगा हुआ है काम करने। सुनो शाम को तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं बेटा, वही वाली शर्ट पहना जो तुम्हें आदम ने बर्थडे पे गिफ्ट की थी। नहीं मैंने नहीं यूज करना उसका गिफ्ट, मुझे नहीं चाहिए। भाई बस भी कर दो, वो बेचारा आदम पिछले 2 घंटे से किचन में रिफ्रेशमेंट की तैयारी कर रहा है। मेरा दिल नहीं कर रहा। सरमत बस कर दे, उठो उठ के मुंह हाथ धो, चेंज करो कुछ मत, तुम सरमत तो बात भी नहीं सुन रहा मेरे। तुम अब किताबें खोलकर बैठ गई हो। अब किसी का सर खोल दिया तो फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए किताबों से काम चला रही हूँ। अच्छा फजूल बातें मत करो, जाओ जाके तैयारी करो। किस चीज की? माहा के ससुराल जाना है। तो माहा तैयारी करे ना, मैं क्या करूँ? तुम बहन हो उसकी। बड़ा मान रख लिया उन्होंने बहन का। तुम्हारे बाप ने सुन ली ना ये बातें तो 1 मिनट में तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर देगा वो। अम्मी प्रोजेक्ट है मेरा, इस पर काम ना करूँ? तो वापस आके भी तो कर सकती हो। माहा के ससुराल मेरे बगैर भी जाया जा सकता है। तो तुम नहीं जाओगी? नहीं काफी काम है मेरा। खुद जाके बताना अपने बाप को। बता दूंगी। बाजी आपको पता है मिली का अभी मैसेज आया, आदम भाई ने बहुत मजे का पास्ता और मैक्रोनी बनाया। तुमसे पूछा है मैंने? आपकी फेवरेट है ना, इसीलिए तो बता रही हूँ। निकलो यहाँ से। तो बाजी बाजी आप स्टडी करना दुश्वार कर दिया मेरा। आप मुझे धक्के क्यों दे रही हैं? क्योंकि तुम सब इसी काबिल हो। निकलो यहाँ से। दोबारा कहिएगा किसी अकाउंट हैक करने का। जाओ जाओ यहाँ से, बड़ी आई आईटी एक्सपर्ट, जाओ यहाँ से। अकाउंट हैक करें आप, क्या मुसीबत है। तो बेजान चीजें भी दुश्मनी पर उतर आई हैं। आदम ने बहुत हर्ट किया मुझे आज। और मैंने नेहा को। आपने तो अपनी जिंदगी का फैसला लिया महा। ये फैसला मेरा नहीं अब्बा का है और मैं सिर्फ उनकी रजा में राजी हूँ। यानी कि मेरी मोहब्बत की कोई इम्पोर्टेंस नहीं आपकी नजर में? इम्पोर्टेंस है लेकिन झूठ नहीं बोलूंगी, अब्बा की खुशी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। चल इनडायरेक्टली फायदा तो मेरा ही है ना। हाँ लेकिन नेहा की नाराजगी मुझे बहुत अपसेट कर रही है। यहाँ आदम का भी कुछ ऐसा ही हाल है, वहां नेहा की मुखालफ में भी वो ऊपर ऊपर से मेरी हिमायत कर रहा था। चले खुशी की बात है कि नेहा मुनाफिक तो नहीं है ना, जो दिल में हुई जबान पर है।
ये उसकी अच्छी आदत। वैसे हैरत की बात यह है कि नेहा और आदम के बीच में नफरत का पौधा इतना स्ट्रॉन्ग होता चला गया और दोनों घर वालों को खबर तक ना हुई। लेकिन ऐसा है सर, बेशक वो नेहा को चिढ़ाने के लिए सब कुछ करता, लेकिन अब्बा पे ना वो पूरा हक जताता है। अगर ऐसा करता है तो बहुत बेवकूफ है वो। खैर, उन दोनों को भी इंशाल्लाह समझा लेंगे। महाबी, नेहा बाजी ने इतने जोर से धक्के देकर निकाला है मुझे ड्राइंग रूम से। अच्छा, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, क्या है? पता नहीं किस बात का जिन सवार हो गया उन पर। अब्बा ना जूते मार के सारे जिन निकालेंगे इसके। तुम तो चुप करो। महाबी। अच्छा, बस महाबी। चुप करो, थप्पड़ लाऊंगे। यार ये बड़ा आ गया है तो तुम पहन लो, है नखरे क्यों कर रहे हो? बाबा, मैं ऑलरेडी टिकटॉक का सानेहा निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और आप ये पीआर पैकेज उठा कर ले आए। पीआर पैकेज ही है ना, कोई गौरी मिसाइल तो नहीं है? खुदा के लिए प्लीज बंद करें ये सब कुछ। अरे क्यों बंद कर दूं मियां, तुम अपने दिमाग को ताजा हवा लगवाओ। ये दौर सोशल मीडिया का है। अब तुम खुद सोचो कि तुम ये बाजार से लेते तो 22,000 के जूते आते, अब मुफ्त मिल रहे। बाबा, इंसान की कोई अपनी ग्रेस होती है। मैंने देखी थी आपकी वो निस्वार की प्रमोशन वाली वीडियो। हाँ तो क्या हुआ, वो हमारे दोस्त ने एक नया कारोबार शुरू किया था, उसकी मदद के लिए हमने प्रमोशन कर दी। इसमें क्या बुराई है, यारी दोस्ती में तो इतना चलता है ना। तुम एक बार ये जूता पहन के दिखाओ। शाबाश। अब मेरे खातिर बेटा प्लीज, ये शाबाश, ये ये ले, पहन लिया। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। बस मैं आप थोड़ा सा चल के दिखा दो, एक मिनट की वीडियो बनाऊंगा बस। क्या, मेरी वीडियोस? अल्लाह की कसम तुम्हारी नहीं, जूतों की। सिर्फ पैरों के शॉट लूंगा 30 सेकंड। बाबा, मैं प्रोफेसर कुतुब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टिकटॉक के लिए मॉडलिंग करूंगा। बेटा सिर्फ 30 सेकंड की बात है, अब अपने सगे बाप के लिए तुम इतना नहीं कर सकते। ले ले, बनाए बनाए वीडियो। नेहा उस्ताद, देखो कितना शानदार लग रहे हैं तुम्हारे अब्बा के पैरों में ये जूते। अब्बा जहर लग रहा है, ये तोते की चोंच जैसा जूता, प्लीज उतार दें। ये देख ले, कंफर्म हो गया। सिर्फ पढ़ते थे किताबों में, घर को आग लग गई घर के चिराग से, आज देख भी लिया। दद्दू, आग लगने वाली बात नहीं, अब्बा की कोई ग्रेस है, कोई पर्सनैलिटी है, ऊपर से आप उनको ये थर्ड क्लास जूते पहना रहे हैं। नेहा उस्ताद, उस्तादों के साथ उस्तादियां अच्छी नहीं होती। अब्बा मैं आदम के घर नहीं जा रही, मुझे अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है। हाँ हाँ, तुम ना ही जाओ, अच्छा है, सुकून रहेगा। और बाबा प्लीज, आप ये वीडियोस वाला खाता बंद करें। क्या सोचेंगे वहां के ससुराल वाले? अव्वल तो वहां के ससुराल वालों के पास इतना दिमाग है नहीं कि वो कुछ सोचे, और दूसरे ये खाता वीडियो बनाने का बंद नहीं होगा, ससुराल चेंज हो सकता है। ये तुमने खोला था ना वीडियोस वाला बंद, अब तुम ही इसके आगे बंद बांधोगी। पानी पोलो के नीचे से गुजर चुका है अब्बा, अब सबर करें। लो भाई, अब बस करें ना नाराजगी। ये क्वेश्चन सही करो, सीधे करो क्वेश्चन, काम करो। ये नहीं करूंगा, पहले आप नाराजगी खत्म करें। तो चीजें खराब करने के अलावा कुछ नहीं आता क्या? नहीं, खराब कर सकता हूं तो ठीक भी कर सकता हूं। वाह, काश इतनी आसानी से दिल भी साफ कर लिया होता अपना। ओ भाई, आप अच्छी तरह जानते मैं क्यों इस रिश्ते के खिलाफ। तो खुल के करो ना, जैसे नेहा करती है, अपनी बहन के साथ प्यार का ढोंग नहीं जाती छुप छुप के उसकी पीठ के पीछे, और नहीं उसकी फीलिंग्स के साथ खेलती है। आप मुझे उसके साथ मिलाएंगे? तुमसे बहुत बेहतर है वो, लाख दर्जे बेहतर है वो। जो उसके दिलो दिमाग में होता है ना, साफ बोल देती है और किसी का पत्ता भी काटने की कोशिश नहीं करती। तो फिर वो क्यों कर रही है मुखालफत? क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसकी बहन को डिजर्व नहीं करता, और मुझे लगता है वो ठीक कह रही है। शी इज राइट, मैं नहीं करता डिजर्व उसकी बहन को। तो महा कौन सी 30 मार खान है? तमीज से नाम लो भाभी का। सॉरी, मैं जानता हूं तुम ये सब सिर्फ नेहा की मुखालफत में कर रहे हो, इसके अलावा तुम्हारे पास महा के खिलाफ और कोई रीजन नहीं है। भाई, ओ भाई, भाई, ऐसे मौसम में चुप क्यों हो, कानों में रसगोलो, इधर देखो कैसा लग रहा है दद्दू हैंडसम।
तुम बताओ कैसा लग रहा हूँ? क्यों, किसी और ने नहीं बताया आपको? अरे दोस्त दोस्त ना रहा, पोती पोती ना रही, कयामत के आसार है भाई। अब्बा बुला रहे हैं आपको। ओए नहीं उस्ताद, बहन के ससुराल जाना है तो दो मिनट बाहर आ जाओ, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। तो तुम, आपको किस जुबान में समझाऊं? फारसी में। मन न मेरा मुंजा। इसे तो कोई नहीं जी सकता। दो चार दिन ठहर जाते मेरी कमर ठीक हो जाती। तुमने कौन सा टेबल टेनिस खेलना है वहां पे? वैसे हलीमा भाभी और तमन्ना खाला की भी कमर में बहुत दर्द था, पता नहीं कैसे काम किया होगा उन्होंने। अरे भाई तुम उनके घर की टेंशन मत लो, आदम और सरमत सब संभाल लेते हैं, बड़ी अच्छी तरबियत की है उनकी माँ ने उनकी। मेरी बात सुनो, अब वहाँ जाकर ना अपनी बेटियों के कीड़े निकालने मत बैठ जाइएगा, पहले की बात और थी। यही तो एक फायदा होता है जानने वालों में रिश्ता करने का, मुफ्त के झूठ नहीं बोलने पड़ते। अच्छा अब जरा जल्दी कर लें, 4 बजे का टाइम दिया था उन्होंने। वैसे जूते हैं तो अच्छे। हाँ मुफ्त की चीज तो अच्छी ही लगती है। मिल गया मौका तुम्हें, ठीक है चलो भाई। चल लेट अस चलिए। चले तो तू इधर आ, इधर। जी जी जी। अरे मेरे दद्दू हैंडसम। ब्याज जरा ख्याल से, मिट्टी ना लग जाए जूतों को, वापस भी करने। ये बात है तो मैं अभी उतार के आया। कभी कभी मजाक भी बर्दाश्त कर लिया करो। जी अब्बा आपने वापस नहीं करने, पीआर पैकेज में आए हैं ये। अच्छा मामू वहाँ जाकर पीआर पैकेजेस की बात लेकर मत बैठ जाइएगा प्लीज। नहीं करूँगा मगर जाते उनसे कह देना डोंट बी जेलस। अच्छा दद्दू चले ना चुप करके। पहले एक फैमिली फोटो है। हाँ, हाँ भाई मुस्कुरा लो, बेटी का रिश्ता लेने जा रहे हो, चलो हाथ मारो लंबा अपना। यस चले क्या, चलो चलो। खुश मिजाज बाप का खुश मिजाज बेटा मिला है। तो खुल के मुखालफत करो ना, जैसे नेहा करती है अपनी बहन के साथ प्यार का ढोंग नहीं जाती छुप छुप के उसकी पीठ के पीछे, और नहीं उसकी फीलिंग्स के साथ खेलती है। पेन किलर से फर्क पड़ा? आइए आइए तशरीफ लाइए। तमन्ना खाला सभी चाचा कई मरतबा पूछ चुके हैं आपका। कैसी तबीयत है अब आपकी तमन्ना खाला? तुम्हारी बेटी ने मेरी कमर तोड़ दी, बहुत तकलीफ में हूँ, दर्द हो रहा है। अभी तो माहा इस घर की बहू बनेगी, आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह मालिक है भाई। मियां जूता तो नहीं काट रहा? नया खरीदा है क्या? हाँ नया। अरे मेरे भी इतने अरमान थे, इतने प्लान बनाए थे, शॉपिंग जाऊंगी सेले लूटूंगी, माँ के योगा ने मेरी खटिया खड़ी करा दी। इसमें माँ का क्या कसूर था, आप ही ने कहा था करने को। लो मैं तो समझी एक टांग उठा के ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होना है स्टैचू की तरह। बस वो स्टैचू अपना ही वजन नहीं संभाल पाया और धड़ाम करके आनगिरी अपने ही कदमों में। महा अभी तो इससे भी ज्यादा खतरनाक आसन कर लेती है। मैं भी कलावाजियां खा खा के दिखाती थी अपनी अम्मा को, इस उम्र में तो ना ही पूछो। मैं भी सीखूंगी उनसे। हाँ बेटा सीखो बिल्कुल सब कुछ भाभी से, पहले आ तो जाए। ये आदम नहीं नजर आ रहा किधर? वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। हमारे घर में भी यही हाल है, नेहा बिचारी की नींदें उड़ चुकी हैं इस प्रोजेक्ट के पीछे। सरमत बेटा मुझे हाथ दो, रिफ्रेशमेंट लेकर आए। जी जी अम्मी चले। अरे भाभी आप इस हालत में कैसे करेंगी? आए रहने दो, कोई बात नहीं। अरे अरे आए को अल्लाह, आए को देखे कितने सुघड़ है मेरे नवासे, और बेटी को भी देख लो जरा। ऊंट की तरह मुंह निकाल के आ रहे हो तुम? क्या कछुए की तरह मुंह छुपा कर टहल रही हो? मुंह वो छुपाते हैं जिनको अपना कर्ज अदा करना होता है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे खाते क्लियर हैं। जो तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना। अंदर कौन सा खजाना खोदने जा रहे हो? माँ से बात करनी है। सॉरी अब पहले तो सिर्फ अब्बा का चमचा था, अब भाभी का कफगीर बनने की प्रैक्टिस शुरू कर दी इसने। सुनो तो क्या बकवास करने आया।
माँ आई स्वेयर मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानती हूँ। उसके बावजूद भाई इतने खफा है मेरे साथ। वो ज्यादा देर किसी से खफा नहीं रह सकते, जल्दी ठीक हो जाएंगे। नहीं, काफी अरसे बाद इतना नाराज हुए मेरे साथ, इसलिए मैं सिफारिश करवाने आया था आपसे। क्या कहा उन्होंने? उनको लगता है कि नेहा मुझसे बेहतर है। वो कैसे? उनके नजदीक वो मुनाफिक नहीं, जो उसके दिल में होता है वो उसके जुबान पर होता है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। तुम एक नंबर के मुनाफिक, झूठे और दो नंबर इंसान हो। मैंने कौन सी दो नंबरी की तुम्हारे साथ? जब से पैदा हुए हो ना यही काम कर रहे हो। तुम दोनों फिर शुरू हो गए हो। इसने आगाज किया है, मैं तो बस आपसे बात करने आया था, ये बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन रही थी। हाँ, बड़े कोई एटमी राज बता रहे थे तुम। ये इस लंबी ज़बान की वजह से मैं मना कर रहा था समझदार। और तुम्हारी झूठे इल्जाम लगाने वाली आदतों की वजह से ना मैं अपनी बहन को मना कर रही थी। दगाबाजियां करोगे तुम उसके साथ। अच्छा मेरी बात सुनो। तुम ना, ओह माय गॉड, तुम दोनों ना मुझे पागल कर दोगे। अच्छा ओके, सेल्फिश। भाई खफा हुआ तो सिफारिश लगवाने आ गया। तुम तो चुप कर जाओ नेहा, चुप कर जाओ। अमीर रहने देना, पुणे में कर लेते। ये आदम कहाँ निकल गया है? कहीं दिल से निकल जाए हमारे पास। और भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अपने दिल से पूछो तुम। अच्छा अब यहाँ को नई बहस मत शुरू कर देना, जल्दी करो, अंदर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हटे अभी, मैं कर देता हूँ सेटिंग। हाँ, सेटिंग बड़ी अच्छी कर लेता है ये। मुझे तो लगता है कि वो आज बात फाइनल करके डेट भी फिक्स कर ही देंगे। बस हमारे एग्जाम से पहले डेट सेट कर ले। हाँ जाहिर सी बात है, नेहा के भी तो पेपर्स होने हैं। अच्छा अम्मी, आप जाएं, मैं मेहमानों के साथ बैठे हमारे। पक्का? ये अच्छा नहीं है सेट। चम्मच वम्मच वो उधर ड्रॉअर में है कास। ओके। ज्यादा दिल खफा भी नहीं रह सकता। जानता हूँ, मैसेज आ गया ना वहां का। तो तेज है तू, तभी सही चिढ़ती है नेहा तुझसे। तो मैं कहाँ उस पे मरता हूँ? बनती बड़ी हुस्न की दी। चल भाई, वाह मजा आ गया भाई। ध्यान से, ये चौथा टाट है। तुम बैठ के निभा देगी तुझे मेरे मियाँ? अपनी घारा में? नहीं नहीं, एक और ले ले। पैक करके दे देना, घर जाके खाऊंगा मैं। बस ठीक है, आपको तीन चार साथ लेके भेजूंगा। अच्छे दामाद वाली सारी खसूसियात पाई जाती है माशाल्लाह सरमद में है। भाई ये बहुत ही उम्दा है, बहुत ही उम्दा है। क्या? चिकन हॉट पॉकेट। हॉट पॉकेट भाई, इसकी रेसिपी जरूर ले लेना हलीमा भाभी से। आप ही बना दीजिएगा, क्या करेगी रेसिपी लेके भी है। भाई क्या जरूरत है, महा यहाँ आके सब सीख लेगी इंशाल्लाह। हाँ जब बात पक्की हो गई है तो लगे हाथ शादी की डेट भी फिक्स कर लेते। सुल्तान भाई इतनी जल्दी क्या है? मैं सोच रहा था कि सरमश की शादी के फौरन बाद तमन्ना खाला को हज पे ले जाऊं। हाँ मुझे? हाँ ये कब सोचा? अभी अभी। तो नेक सोच जब भी है उस पे अमल करना चाहिए। शुक्र है मियाँ तुमने भी कुछ बोला, वरना तुम्हारी तो सिटी गुम हो गई थी। बाबा कुछ काम की बात कर ले। जी भाई जरूर। भाई की शादी के सारे फंक्शंस होटल में होने चाहिए और मेहंदी का फंक्शन कंबाइन। गुड आइडिया। हाँ अब आप लोग अपने ये फरमाइशी प्रोग्राम को जरा देर के लिए रोक दें ताकि बड़े लोग सीरियस बात कर सकें। भाई सॉरी दद्दू। हाँ मियां बिस्मिल्लाह करो, मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाना ना, बहुत दर्द हो रही है कमर में। उई अभी सारा दर्द मिनटों में गायब करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं। क्या 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 जानते हैं? अरे बता रहा हूँ ना कि क्या जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माहा के पिछले निकाह का तजुर्बा हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं था। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा? भाई पुरानी बातें इसलिए दोहरा रहा हूँ कि बच्ची का मुस्तकबिल अच्छा रहे और परेशानियों से बच्ची बची रहे। कैसी परेशानियां दादू? भाई सरमद हमें हर लिहाज से पसंद है माशाल्लाह माह के लिए, मगर उससे भी बड़ी बात माह की सिक्योरिटी है। कैसी सिक्योरिटी? भाई हम ये चाहते हैं
कि अपना घर या अपना रेस्टोरेंट दोनों में से कोई एक चीज माह के नाम लिख दें आप हक मेहर, वरना हमें ये रिश्ता कबूल नहीं। हाय दिया, इतनी सिक्योरिटी की क्या वजह? आपका साबका रिकॉर्ड और हमारा साबका तजुर्बा। ये साबका लाका का तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ये रिश्ता मैंने नहीं कराया, इसे तसल्ली करो। तो जब ही तो हम कर रहे हैं, तो हम कौन सा कह रहे हैं कि फौरन अभी के अभी जवाब दे दो, भैया अच्छी तरह सोच ले। इस बात पे तो वैसे हमारा जवाब देना ही बनता है। खाला हम लगे वैसे ही बेटी वालों के 100 मसाइल होते हैं, मैंने तो कदम भी माइंड नहीं किया। तो मियां चले कुतुब। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करते हैं आप। अदोगे, मैंने कौन सी ऐसी सरकशी दिखा दी कि तुम खुदा का खौफ दिलाने पे उतर आए? वैसे ये कोई बात थी करने वाली? अरे यही तो सबसे अहम बात थी करने वाली। भला ऐसी डिमांड्स के साथ बच्चियों के घर बसे कभी? बच्चियों के घर बेशक ना बसे, अरे जाते जाते अगलों की कमर तो तोड़ कर आए ना। कमर तो आपकी पोती ने वैसे ही तोड़ दिया घर बैठे बैठे। बहू, मैं माशी लिहाज से बात कर रहा हूँ। आखिर ये मशवरा दिया किसने था? ऐसे मशवरे नेहा बाजी ही दे सकती है। कहाँ है वो फसाद की जड़? रूम में। अच्छा जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ। जी। और माहा, उस नेहा से कहो कि चाय बनाए। बाबा सच सच बताए, ये आग उसी की लगाई हुई है? अरे बेटा, कौन सा उसका माचिस का कारखाना है, और अल्लाह गवाह इस मामले से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। इनकार करना था तो वैसे ही कर देते साफ साफ। कमाल है, मैंने कौन सा व्हाइट हाउस अपने नाम करवाने की फरमाइश कर दी? पता नहीं वो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अरे क्या सोच रहे होंगे, यही सोच रहे होंगे कि अपनी इन पोतियों के मामले में सफीउल्लाह किसी किस्म का कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। कितना समझदार आदमी है यार। जाओ जाओ, देखो चाय की जगह पाए ना चढ़ा दिया हूँ पापा की जयती में। तुम बैठी रहो, मैं ही जाता हूँ। नहीं जाता हूँ। आप लोग माने या ना माने, ये शरंगेजी और नेहा कुतुब नहीं की हो। एक तो तुम्हारा नाम इसी सुई पे आके रुकता है, मसला क्या है तुम्हारे साथ? मसला हमें नहीं, उन्हें है हमारे साथ। ऐ भला कौन मुंह फाड़ के करता है इस किस्म की फरमाइश? और स्टाइल चेक किया था वो दादा का, ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं इलेक्शन में हमें हरा दिया हो। उन्हें क्या पता सुल्तान बाजी पलट दिया करता है। हाँ, क्या क्या करेंगे आप? वही जो किसी गैरतमंद इंसान को करना चाहिए इस मौके पर। ये क्या बात हुई कि नाम कर दो अपना घर और रेस्टोरेंट? वाह, तुम जरा अपने पेट्रोल के कुएं पे ढक्कन लगाओ और चलो मेरे साथ कुतुब के घर। क्या इनकार करने? मेरा मतलब अभी क्या जाने की जरूरत है? जो काम अभी हो सकता है उसके लिए कल के सूरज के निकलने का इंतजार क्यों करें? जल्दी का काम शैतान का होता है। आराम से सब लोग बैठ जाएं, फिर सोचते हैं करना क्या है। मैं सोच चुका हूँ, बस सब उठो। ना बाबा ठीक कह रहे, इस किस्से को अभी और इसी वक्त पाए तकनी तक पहुंचा देना चाहिए। ओए 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 मजनू, तुम कहां मैदान छोड़ के भाग रहे हो, चलो हमारे साथ। मैं नहीं जा रहा भाई, मेरी कमर तो तख्ता बन गई है, और वैसे भी बिजनेस में लॉस जा रहा है, मुझे अपना नया बिजनेस मॉड्यूल बनाना है, अपनी स्ट्रेटजी पे गौर और फिक्र करना है। अरे पहले मेरी स्ट्रेटजी सुन ले कुतुब के घर जाकर। मेरी तरफ से माजरत। चलो भाई, सुल्तान की हलीमा, बाकी सब ने तो जवाब दे दिया। क्या जरूरत है? अशद जरूरत है, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। चलो भाई चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ। शाबाश, चलो भाई चलो, हिम्मत करो हिम्मत करो, चलो 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 आ जाओ। स्ट्रेचर मंगवा लेते, हाँ नहीं तो। अरे राजा टैस करो। क्या हो गया? नाच मेरी बुलबुल, तुझे प्रॉपर्टी मिलेगी। शट अप नेहा, शट अप कॉल दद्दू ने दिया आदम के खानदान को, कसम से बड़ा मजा आया सुन के। इतनी गलत बात की है दद्दू ने। इसमें गलत बात क्या है? कोई इतनी करोड़ों की चीज क्यों देगा किसी को? जिन्होंने घर बसाना हो और जिनकी इंटेंशन गलत ना हो, उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
चीजों से घर नहीं बसते। बसते नहीं है लेकिन टूटते जरूर हैं। मुझे सख्त शर्मिंदगी हो रही है सर, मैं सोच रहा हूँ कि डिमांड मैंने की है। तो सोचने दो, who cares? मुझे केयर है, तुम नहीं समझोगी बस। देखो अगर कोई मोहब्बत वापस वाला बटन दब गया है ना गलती से तो उसको ऑफ कर दो क्योंकि बोलो तुम्हारे काबिल नहीं है। तुमने अगर एक और लफ्ज बोला ना, अम्मी ने चाय का कहा था, अपनी इस चैंपियन से कहें कि अब्बा चाय मांग रहे हैं दोबारा। यार ये सुबह अम्मी क्यों नहीं एक देग पका के रख देती अब्बा के लिए। तुम बैठो बैठो। जब दद्दू ने प्रॉपर्टी की डिमांड की तो शर्मा ने क्या कहा? लो वो कुछ कहने के काबिल रह गए थे क्या? क्या मतलब? मतलब ये है कि वो गर्दन गिरा कर बिल्कुल खामोश से हो गए थे, बिल्कुल किसी सारिस की तरह। दूर 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 दूर, तेरी जैसे तोता चश्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हाय दद्दू, मैं तो खामखा आपको गलत समझती रही, एक हद तो बनता है। नहीं 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 नहीं, तुम बिल्कुल हद छोड़ो और मग में गर्म पानी डालो, मेरे गले में खराश हो रही है। दद्दू असल खराश है तो आपने पड़ोसियों के गले में डाली है। वैसे एक बात बताएं, इतना अच्छा आइडिया आया कहां से आपके पास? मैंने कोई भी बात शहर फैलाने के लिए नहीं की। आए दद्दू, अब आप जो भी कहें, आदम हाउस के दरो बाम तो हिला दिए ना आपने। मैंने वहाँ जो कुछ भी कहा अपनी बच्ची के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कहा। अरे नेहा उस्ताद के दद्दू हैं आप, बल्कि क्यूटनेस और इंटेलिजेंस के एक्स्ट्रा कॉम्बो हैं आप। आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? देखिए इस बार नेहा चैंपियन के हाथ साफ है, बेशक दद्दू से पूछ लें। तो इन्हीं साफ हाथों और साफ नीयत से मजीद चाय बनाओ। वो आदम के घर वाले आए हैं। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ले आया क्या? ऐसी कोई लूट नहीं मची हुई। वैसे भी आपकी पोती में कोई हीरे नहीं जड़े हुए कि वो करोड़ों की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेकर आप पहुंचेंगे। तो फिर मुंह उठा के क्यों आ गए वो? फिलहाल तुम मुंह झुकाकर चाय बनाओ, आके कर लेना फिर अपनी तफ्तीश। दद्दू क्या करने आई है फौजें? हो सकता है हथियार डालने आई। दद्दू एंड समय आप। सर में दर्द हो रहा है भाई? हाँ हो रहा है। बाबा साशा के घर क्या करने गए हैं? मेरे ताबूत पे आखिरी कील ठोकने गए हैं। वो कैसे? छोड़ो इस बात को, तुम मैसेज करके पूछो ना साशा से। क्या पूछूं? अरे यही कि बाबा वहां पे क्या करने गए हैं। इतनी ही टेंशन थी तो खुद चले जाते। बाबा ऐसा क्यों करते हैं? समझ आ रहा है यार, ये कुछ तरीका है। मुझे क्या पता। और भाई सुल्तान, सब खैरियत तो है? हाँ भाई सब खैरियत है। कुतुब क्यों अचानक हमारा यहाँ इस तरह फौरन चले आना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं भाई, तुम्हारा अपना घर है, 100 बार आओ। लीमा भाभी मेरी कमर तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे मेरे साथ भी यही है, अभी अभी पेन किलर लेकर आ रही हूँ मैं भी। क्यों भाई? यह सुल्तान अपनी बारी का बदला लेने के लिए फौरन आ गए तुम? मैंने तो इन्हें मना भी किया था लेकिन लेकिन बस जब सुल्तान कुछ ठान लेता है तो करके दम लेता है। अब हम गोल गोल बात ना करें, सीधी बात करें। तो भाई सीधी सीधी बात यह कि मैं तो पहले ही साफ साफ बात करना चाह रहा था, फिर मैंने सोचा कि बच्चों से मशवरा करके जवाब दूं। अच्छा तो आप जवाब देने आए हैं? जी हम जवाब देने ही आए। तो फिर देर किस बात की है? शुरू करो, बिस्मिल्ला करो, हम हमतन गोश है। सफी चाचा आपकी समझदारी की तो मैं दाद दूंगा, अगर तमाम वालदैन रिश्ते के मामले में इसी अंदाज से सोचें तो क्या बात है। है किस अंदाज से? यही कि बेटी के मामले में किसी पर ट्रस्ट ना करें, किसी का कुछ पता थोड़ी होता है। अरे पता तो हमें भी चले ना कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। क्यों आदम बेटा बता दे। फौरन बताएं बाबा। क्यों हलीमा जी आपकी इजाजत है? अब बता भी दें क्या कहना चाहते हैं आप? तो हम बताना ये चाह रहे थे भाभी के घर या रेस्टोरेंट में से कोई एक नहीं बल्कि दोनों चीजें हम नाम करने को तैयार है महाबेटी। मतलब तुम्हें कोई एतराज नहीं? हरगिज नहीं। आज ही तुम रुखसती की तारीख दे दो, इस महीने के आखिरी जुमे को। 15 दिन बाद? जी हमारी तैयारियां मुकम्मल है और जहेज की भी कतई कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हाँ मुझे भी कोई एतराज नहीं। तो आप मिलाओ।
जान।